हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आप देख रहे हैं मेरी फेरू को, और इस वीडियो में मैं अपनी सिर्फ गोल्डन कलर की चूड़ियों का, जो मेरे पास कंगन एंड चूड़ियां हैं, वो कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। और इस वक्त मेरी फेरू यहीं पर पास में सो रही हैं, ये देखिए। एंड चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं खूबसूरत चूड़ियों से। तो मेरे पास इसमें ये है चार जरकन गोल्ड शेड में, एंड इसमें ना ये लटकी हुई झुमकी भी है, तो ये इस तरीके से चार है, और ये मैंने 500 रुपीज़ में ली है। एंड अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मेरे गोल्डन एंड कुंदन के कंगन हैं, और इसके साथ ही ये मैंने लिए थे जयपुर के जौहरी बाज़ार से। ये ब्रॉड कलर के, ब्रॉड गोल्डन कलर के कंगन हैं, जिसमें कि कुंदन लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, और मुझे जुकाम हो गया है, सॉरी। एंड ये आप देख रहे हैं, मैंने ऑब्सेस्ड से लिए थे, गोल्डन एंड कुंदन के ये कंगन है। साथ ही में ये वॉयला के गोल्डन के गोल्डन शेड में कंगन लिए थे मैंने, जिसमें कि रूबी एंड डायमंड स्टाइल में ये कंगन है। और दोस्तों, अब मैं दिखाने वाली हूँ मेरा गोल्डन का ब्राइडल सेट, जिसे कि मैं लहंगे के साथ भी वेयर कर सकती हूँ। मैं ये दिखाने वाली हूँ, एक सेकेंड, अभी आपको इसका पूरा कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। ये आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। एंड दिस इज द सेट, ये है क्लियरली पास से आप देख सकते हैं इसमें कितना शाइन है, कितना शिमरी है ये। और अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाती हूँ दूर से, तो आप देख सकते हैं इसकी शाइन, इतना ज़्यादा ब्लिंगी है ये कि इसको कैमरा जो है वो फोकस ही नहीं कर रहा है। एंड मैं यहाँ पर ज़रा रख देती हूँ, जी हाँ, ये अब कैमरे ने कैच किया है। सो दिस इज़ माय गोल्डन ब्राइडल सेट, एंड सी माय फेरूज फेस, वो आराम से सो रही हैं। और ये तो हो गए मेरे गोल्डन कलर के कंगन और ब्राइडल कंगन, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, जी हाँ। और अगला पैकेट मैं दिखाने वाली हूँ ये, जिसमें कि ग्लिट्राटी के ये कुंदन के कंगन है, एंड जी हाँ, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, ये हैं ग्लिट्राटी के कंगन, एंड साथ ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे ये कंगन, जो कि मैंने परचेज़ किए हैं ग्लिट्राटी से ही, और ये बिल्कुल फ्रेश है, ये इसमें डायमंड वाला लुक है। और उसके अलावा ये मैंने लिए थे यू बेला से, मिंत्रा से परचेज़ किए थे, और ये मैंने लिए हैं ग्लिट्राटी से ही बाहुबली वाले कंगन, एंड ये भी साउथ की जो ज्वेलरी होती है उसी के जैसे गोल्डन कंगन है, ये आप लाइट में यहाँ देख सकते हैं, जी हाँ। और ये है मेरे पास गोल्डन एंड इनमें ऑरेंज कलर के मोती लगे हैं, वो वाली बैंगल, ये मैंने ली हैं ऐसे ही किसी साड़ी से मैचिंग पहनने के लिए, जो कि बड़ी खूबसूरत है, यहाँ पर मैं आपको रख करके दिखा रही हूँ, जी हाँ। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, ये 200 रुपीज़ की हैं, इतनी सारी बैंगल ओनली 200 रुपीज़ की, दो दर्जन हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये जयपुर से जो मैंने गोखरू कंगन लिए थे, और इसके साथ ये गोल्डन कलर की पोची भी परचेज़ की थी, और इसके साथ ही मैंने ये मोती वाले कंगन परचेज़ किए थे गोल्डन कलर के, जयपुर से ही, जौहरी बाज़ार से, एंड ये साथ में। तो ये पूरा सेट हो गया दोस्तों, एंड अब मैं दिखाऊंगी आपको मेरे नॉर्मल पोल की जैसे गोल्डन कंगन, जो कि मैंने परचेज़ किए हैं अलग अलग मार्केट से, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से इनका लुक है। एंड ये इन सब के इंडिविजुअल रिव्यू मैंने इनके बारे में डिटेल में बताया है मेरे चैनल रारा पर ही, जो मैंने कंगन कलेक्शन दिखाया, लेकिन सिर्फ गोल्डन कलेक्शन देखना चाहती थी मेरी कुछ सब्सक्राइबर, इस वजह से मैंने गोल्डन चूड़ियों को इस तरीके से दिखाया है, और ये आप देख रही हैं, ये सब गोल्डन में ही हैं, बट लाइट का थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ रहा है, जिस वजह से ये थोड़ा
गोल्डन शेड इनका जो है वो प्रॉपरली आ नहीं पा रहा इसमें, लेकिन है ये सब गोल्डन ही। ये देखिए, अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरे ये वाला कंप्लीट सेट। तो ये जो कंगन है इसमें आप देख रहे हैं, इसमें गोल्डन घुंघरू लगे हुए हैं, ये गोल्डन कलर में है, लेकिन इसमें रेड सरोस्की वाले नग लगे हुए हैं। ये गोल्डन कलर के जो कुंदन होता है उसका डिज़ाइन वाला चार कंगन है। ये गोल्डन कलर की चूड़ियां हैं, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में गोल्डन एंड रेड कलर के कंगन हैं। इधर भी ये चौड़े वाले गोल्डन कंगन हैं, प्लस ये मैंने अलग अलग मार्केट से मोती के गोल्डन शेड में जो कंगन मुझे मैंने अपने लिए परचेज किए वो हैं। एंड ये है मेरा मोस्ट फेवरेट गोल्डन के दो कड़े, जो कि मैंने एक लोकल शॉप से ही लिए हैं, जो बैंगल शॉप होती है। दोस्तों आई होप कि मैंने आपको अच्छे से ये गोल्डन कलेक्शन भी दिखा दिया है इंडिविजुअली, क्योंकि आप लोगों को मैंने एक एक करके दिखाया था ना बैंगल कलेक्शन, इस वजह से आपको अच्छे से समझ नहीं आया था। तो मुझे लगा कि अब गोल्डन कलेक्शन भी आपको दिखा देना चाहिए, क्योंकि जो वीडियो मैंने दिखाई थी उसमें सारी ही चूड़ियाँ एंड कंगन एक साथ दिखाए थे वन बाय वन, जिस वजह से शायद मैं गोल्डन कलेक्शन को इस तरीके से आपको नहीं दिखा पाई जैसे कि मैं अभी दिखा पा रही हूँ। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये गोल्डन कलेक्शन अच्छा लगा होगा चूड़ियों का, जिसमें कि रेड एंड पिंक ऑरेंज का टच भी है हल्का सा, बट है ये सारे के सारे गोल्डन। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा, और आप मेरे अनदर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल पर जा कर के अनदर वीडियो ज़रूर देखें। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे बैंगल्स का कलेक्शन देख के कैसा लगा। ये 2018 की बैंगल्स हैं जो मेरे पास हैं, 2019 में भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और आगे जो बैंगल्स परचेज़ करूंगी उनके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड फिर से आप देख सकते हैं मेरी फेरू यहाँ पर आराम से जैकेट पहनकर सो रही है, एंड शी लव स्लीपिंग। और इनको ना मेरे पास बैठकर सोना बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत प्यारी हैं फेरू, फुल नींद में है मेरी फेरू। सो दोस्तों इन्हें सोने देते हैं, और ये कलेक्शन अच्छा लगा हो तो बताइएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा प्यारे कंगन आपको कौन से लगे ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।